हमारी भी उनसे ये उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो बेसिक सिलेक्शन है वो अब हम देखें तो वो बहुत वीक है। क्रिकेट बाय चांस है, अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन में खेलना काफ़ी टफ होता है, स्पेशली जब आपके खिलाफ कोई अच्छी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम हो, तो उम्मीद तो है कि वो अच्छा खेलेगा। देखिए ना, सचिन जो है ना वो एक सीनियरिटी में है, अब तो वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो इस हिसाब से अगर अभी टाइम मौजूदा अगर देखा जाए तो विराट जो है ना इस टाइम अच्छा बैट्समैन है। सचिन अपने दौर में जो था वो बहुत एग्रेसिव था ना, उसने 100 सेंचुरीज मारी है, गॉड ऑफ क्रिकेट वो था। विराट अभी उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं, उसकी 76 या 77 सेंचुरीज हुई हैं अभी, तो दोनों का कंपेरिजन करें तो सचिन और कोहली में कोई इतना वो नहीं है, फ़र्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट बुशरा शफीक और आप देख रहे हैं हम आवाज़। जी नाज़रीन, तो मेरा आज का टॉपिक है कि कौन सा खिलाड़ी ज़्यादा बेहतर है, जो कि खेल बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, विराट या फिर सचिन। तो हमें पूछना है पाकिस्तानी आवाम से कि वो इस बारे में अपनी क्या राय देते हैं, यानी कि आपको सचिन और विराट में से कौन सा खिलाड़ी जो है वो अच्छा लगता है? इस टाइम जो है वो फेवरेट जो है वो विराट है, क्योंकि इसका अभी टाइम चल रहा है। सचिन क्यों नहीं? नहीं, सचिन तो पुराना हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, अब गुली का टाइम। पुराना होगा तो उसका मतलब ये तो नहीं कि भाई वो अपनी कदर खो देगा, हालांकि वो तो बेस्ट खिलाड़ी है। नहीं, बेस्ट खिलाड़ी था, अब विराट की बारी है, वो तो विराट का मौका देना चाहिए। हाँ, वो विराट को मतलब अब विराट। सर, जिस तरह से विराट कल के मैच में खेला है, इस पे आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे अपना, कि आगे जाके वो ऐसे ही खेलेगा? हाँ, इंशाल्लाह हमारी भी उनसे ये उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह इंडिया जीतेगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो बेसिक सिलेक्शन है वो अब हम देखें तो वो बहुत वीक है, जो इंडिया के लिहाज से बहुत कमज़ोर है, लेकिन हम फिर भी उनके लिए प्रे करेंगे कि वो जीत जाए, लेकिन मुश्किल है कि इंडिया से वो जीत जाए। सर, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इतने फिट भी नहीं होते हैं, मतलब अनफिट हैं, और फिर भी गेम्स वगैरह खेलते हैं, और लेकिन आगे परफॉर्म नहीं कर पाते, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी यही वजह होती है कि ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो पर्ची होती है। सचिन क्यों? सचिन बेस्ट है, चूँकि वो एक बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से स्लो खेलना, पहले गेम्स जो होती थी वो थोड़ी कुछ स्लो होती थी, मतलब परफेक्टली सीखने को काफ़ी कुछ मिलता था। अब गेम चूँकि फास्ट हो गई है, तकरीबन हर कोई जो है वो अच्छा खेल ही लेता है, तो विराट भी वैसे ही कुछ खास नहीं। लेकिन सर, जैसे कल विराट ने बहुत अच्छा खेला है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके साथ काफ़ी रिलेटेड चीज़ें, चूँकि वर्ल्ड कप उनके मुल्क में हो रहा है, एक और एक रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी होने की वजह से चूँकि बर्डन था उनके ऊपर, 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे, तो लिहाजा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके सर पे, उन्होंने परफॉर्म किया, गुड परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म। सर, इन प्रेशर जिस तरह विराट कोहली खेले हैं, तो क्या वो आइंदा भी जब कभी ऐसा प्रेशर का कोई सीन हुआ तो ऐसे ही अपना परफॉर्म कर सकेंगे? क्रिकेट बाय चांस है, अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन में खेलना काफ़ी टफ होता है, स्पेशली जब आपके खिलाफ कोई अच्छी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम हो, तो उम्मीद तो है कि वो अच्छा खेलेगा। देखिए ना, सचिन जो है ना वो एक सीनियरिटी में है, अब तो वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो इस हिसाब से अगर अभी टाइम मौजूदा अगर देखा जाए तो विराट जो है ना इस टाइम अच्छा बैट्समैन है। विराट में ऐसी क्या खूबी लगती है आपको, जो आप बोल रहे हैं कि भाई विराट ऐसा जा रहा है? विराट में खूबी ये है कि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग जो है ना वो क्रिकेट को मूवमेंट्स को देखने के इस टाइम क्या सूरत हाल है, कहीं वजह ये तो नहीं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा खेलते हैं? नहीं, वो हर सबके खिलाफ अच्छा देखा, लास्ट मैच में देख लें आप ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, वो उनका बाई चांस उनकी गुड लक थी कि वो कैच ड्रॉप हुआ है, उसी वजह से उन्होंने जो अच्छी परफॉर्म किया अपना तो अच्छा खेले हैं, उसी वजह से वो जीत गए। तो सर, हमारी पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो कि अच्छा खेलता हो? पाकिस्तान टीम में ऐसे अच्छे खिलाड़ी हैं भी और थे भी, जो जैसे बाबर आजम रिजवान है, बाबर आजम है, रिजवान है, इसके अलावा शहनशाह अफरीदी हमारा बॉलर है, नसीम शाह थे वो लास्ट टाइम इंजर हो गए इस वजह से खेल नहीं सके, तो बाकी कुछ प्लेयर नए हैं तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। पाकिस्तानी बेस्ट वन खिलाड़ी आपको कौन सा है, चाहे वो बॉलर हो या फिर बैट्समैन? जो इस टाइम बैट्समैन में जो है ना वो रिजवान इस टाइम बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसके बाद बाबर आजम आते हैं, और जो है इसके बाद बॉलर में अजय शहनशाह अफरीदी है, और ये बस ये भी इनका ही पता है मुझे। सर, ये लोग मेहनत करते हैं कि नहीं पाकिस्तान की? मेहनत तो करते हैं, लेकिन बाई चांस इनके जो गुड लक है ना वो कभी साथ देती है कभी नहीं देती। तो सर, अगर मेहनत करते हैं या गुड लक साथ नहीं देते, फिर भी आगे जाके जब भी खेलते हैं तो नज़र क्यों नहीं आता आवाम को कि हाँ अभी ये लोग खेल रहे हैं? आवाम को सब नज़र आता है, आवाम सिर्फ घर में बैठ के बातें करती है, ये जब हम पीछे में या स्टेडियम में खेलते हैं ना पता तभी चलता है इनको कि परफॉर्म कैसे करना है, वो जो लोग खेल रहे होते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है, बातें करने से कुछ नहीं होता। तो विराट में ऐसी क्या खूबी है, विराट को, विराट के फैन हैं आप? नहीं, मैं विराट का फैन तो नहीं हूँ, लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि वो क्रिकेट अच्छी खेलता है। क्रिकेट अच्छी खेलता है, उसके अलावा कोई खास खूबी उसकी? उसके अलावा मुझे तो कुछ नहीं नज़र आती, मैं वो तो देखा नहीं है, बस उसको स्टेडियम में देखा या पिच में देखा बस। ओनली किंग कोहली।
किंग कोहली। कोहली ठीक है, तो मुझे बताएं कि कोई ख़ास बात उनकी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो उनकी, जिसके वजह से आप उनके फ़ैन बने फिर रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है अपना, तो अभी भी तो वो अच्छा खेल रहे हैं जी। पहले जिस तरह उन्होंने कल का मैच खेला है, उसके बाद आपका क्या रद्द अमल है उनके लिए, क्या रिएक्शन है? इंशाल्लाह आगे भी वर्ल्ड कप में इसी तरह वो परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान के लिए नहीं? पाकिस्तान के लिए नहीं। क्यों पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आ रहा? क्या हम लोग रहते भी तो पाकिस्तान है, हमें तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए जी। पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी, पाकिस्तान की टीम को भी हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन फ़ैन जो है हम विराट कोहली के फ़ैन हैं। सर बात करें विराट की और सचिन की, तो इन दोनों में से आपको सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन सा लगता है और कौन बहुत अच्छा खेलता है? देखें सचिन अपने दौर में जो था वो बहुत एग्रेसिव था, उसने 100 सेंचुरीज मारी है, गॉड ऑफ क्रिकेट वो था। विराट अभी उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं, उसकी 76 या 77 सेंचुरीज हुई हैं अभी। तो दोनों का कंपैरिजन करें तो सचिन और कोहली में कोई इतना वो नहीं है, फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही लेवल पे खेल रहे हैं इस टाइम। सचिन ने भी बहुत परफॉर्मेंस दी है इंडिया। डिफरेंस तो है फिर खैर दोनों में जी। देखें अगर इस चीज़ को देखा जाए तो सचिन कोहली से आगे परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो सर क्या जिस तरह सचिन का नाम है आज दुनिया में, क्या उस तरह से कोहली अपना नाम बना पाएगा? कोहली ने उसी तरह अपना नाम इस टाइम भी दुनिया में बनाया हुआ है, सचिन से ज़्यादा उसका नाम इस टाइम भी चलता है। आपको कोहली किस तरह से पसंद है, एज अ क्रिकेटर या वैसे पसंद है? वैसे भी पसंद है, उसकी पर्सनैलिटी इतनी टफेस्ट है, और उसके बाद क्रिकेटर भी वो बहुत अच्छा खेलता है, मतलब उसकी मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ उसकी लाइफ स्टाइल से इम्प्रेस हैं। और कोई ख़ास बात जो उनकी आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो मैच वगैरह के अलावा? ये उनके जो मुझे उसका क्रिकेट बहुत पसंद है, उसकी कवर ड्राइव होगी, उसकी जो एग्रेसिव होती है, जिस तरह देख लें आप। सिर्फ पाकिस्तान में क्या कोई खिलाड़ी है ऐसा जो कि इन लोगों का मुकाबला कर सके? जी बाबर आजम पाकिस्तान के माशाल्लाह। तो फिर आपको वो क्यों नहीं पसंद, आपको विराट ही क्यों पसंद है? विराट बस नहीं, अगर देखा जाए तो हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हमें तो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करना चाहिए। जी पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोहली जो है वो फेवरेट प्लेयर है, इसको देखते हैं, उससे सीखते हैं हम इस चीज़ को। पाकिस्तान में इस टाइम बेस्ट बॉलर कौन से हैं? इस टाइम ऑलवेज नसीम शाह। नसीम शाह और बेस्ट बैट्समैन बाबर आजम। तो आपको इन लोगों से उम्मीदें हैं कि ये लोग वर्ल्ड कप में जाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे? जी इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अभी एक मैच हुआ है, जीत भी गए, इसी तरह आगे भी इंशाल्लाह जीतेंगे। तो उम्मीद है आपको पाकिस्तान आगे जाएगा? जी इंशाल्लाह जाएगा। अगर पाकिस्तान आ गया तो क्या पता इंडिया कहीं ना कहीं नहीं, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, हमें दुआएं करनी चाहिए उनके लिए भी और अपने लिए भी कि वो भी आगे जाएँ, हम लोग भी आगे जाएँ। जी बिल्कुल, हमें उनको बल्कि उनका हमें फाइनल देखना चाहिए, फाइनल सेमीफाइनल दोनों टीम्स का आपस में देखना चाहिए। पाक भारत टाकरा तो बहुत अच्छा होता है ना, सब लोग वो देखते भी शौक से हैं। जी बिल्कुल, बहुत शौक से देखते हैं हम लोग। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? पाकिस्तानी खिलाड़ियों में मेरा फेवरेट खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान। वो क्यों, कोई ख़ास बात? वो ये कि वो एक रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन है एज़ कम्पेयर टू बाबर आजम। सर शाहीन शाह भी तो अच्छा है और उसके अलावा बाबर आजम भी बहुत अच्छा है। हाँ जी, बस वो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना कि शाहीन शाह की एक तो ये चीज़ है कि इन प्रेशर वो जो है ना गुस्से में आके ना फिर उसको समझ नहीं आती मैंने करना क्या है, और बाबर आजम वो उसका जितना नाम हो गया ना तो उसके हिसाब से उसको चाहिए कि उस नाम को लेके वो आगे चले, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं जाहिर करता, मतलब नहीं लेता, जबकि मोहम्मद रिजवान वो सिचुएशन को देख के बहुत अच्छी तरह हैंडल करके अच्छी तरह खेल। सर इंडियन प्लेयर्स में ऐसा कौन है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से, या फिर सारे के सारे वहाँ के खिलाड़ी जो हैं बहुत अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से पूरा करते हैं इंडियंस में आप कह लें कि विराट कोहली जिसका आपने, वो तो फिर बेस्ट है ना? हाँ जी वो बेस्ट है, और उसके नंबर पर आप कह लें मोहम्मद शामी बॉलरों में से वो बेस्ट है, वो अपना एक मतलब बेस्ट रोल अदा करते हैं किसी भी परफॉर्मेंस में। फिर विराट और सचिन, सॉरी सचिन की जगह पे क्या विराट अपना नाम वैसा बना सके जैसे सचिन ने अपना बना लिया? जी बनाएंगे, चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, तो उनके टाइम में थोड़ी स्लो थी तो रन भी उस हिसाब से बनते थे, जो आपके फास्ट हो गई तो फास्टली मतलब सेंचुरीज भी हो जाती है, 50s भी हो जाती है, तो वो बना लेंगे। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाएगा? जी इंशाल्लाह, टीम तो ऐसी है, और फिर वही बात के क्रिकेट बाई चांस है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं भाई पाकिस्तानी आवाम को या तो बारिश बचाएगी या फिर खुद हमारी दुआएं।
नहीं नहीं परफॉर्मेंस देंगे, इंशाल्लाह देंगे, उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं आप जिस तरह की उम्मीद मुझसे करते हो मैं आपके लिए वैसा बन जाता हूँ, तो आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, दुआ भी करें और वो परफॉर्म भी करेंगे। परफॉर्मेंस पे इसके नहीं लाते, जैसे कि अभी आप देखें आमिर था कितना अच्छा बॉलर था, अब इसकी टीम में मतलब जगह नहीं बन रही, सरफराज था बेस्ट कैप्टन था अभी वो भी गया, और भी मतलब बेस्ट प्लेयर है जो अभी मतलब चले गए हैं। हाँ वैसे ये जाता है कहते हैं कि पाकिस्तान में जो बेस्ट प्लेयर होता है उसे निकाल दिया जाता है, कोई खास रखे नहीं जाते हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो खसारे में है इस टाइम। हाँ बिल्कुल यही वजह है, जो परफॉर्मेंस करता है उसको पता नहीं क्यों ये लोग रखते नहीं, जैसे आमिर की मतलब आप बैकग्राउंड देख ले तो बहुत अच्छा बॉलर था और इंडिया पे तो बहुत भारी पड़ता था स्पेशली, और अभी जो मतलब अभी आप देख सकते हैं जो इंडिया के साथ एशिया कप में हमारा मुकाबला दोनों हमने मतलब कितनी बैड परफॉर्मेंस दी थी, तो अगर आमिर होता तो वो हम जीत जाते हैं। और सर आपको उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में जाएगा? हाँ उम्मीद तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। क्यों उम्मीद क्यों नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी है, जो नहीं है वो क्यों है? नहीं सिलेक्शन बहुत वीक है इसी वजह से, अगर अच्छा परफॉर्म कर जाए तो फिर तो जीत जाएंगे। फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे या फिर अपनी पसंद को मतलब विराट को? नहीं बेसिकली पहले पाकिस्तान है इसके बाद अपनी पसंद है। तो सर अगर जिस तरह सचिन का आज दुनिया में नाम है क्या इसी तरीके से विराट अपना नाम बना सकेगा? हाँ अभी उसका नाम है क्यों नहीं, अभी भी सचिन की जैसा उसका नाम। नहीं जो नाम सचिन का है वो अभी विराट का तो नहीं। नहीं तो जैसा ही परफॉर्मेंस कर रहा है तो एक दिन आएगा कि वो भी सचिन को लोग भूल जाएंगे और हर जगह विराट ही विराट होगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहे हम आवाज़ के साथ।